हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का आपका फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो बिफोर कमिंग ऑन टू द चैप्टर, हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री क्या है, क्योंकि इससे पहले भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, जैसे 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, लेकिन आप उसको साइंस में पढ़ते हो, मतलब कि कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट के तौर पे नहीं पढ़ते हो उसको। लेकिन अब जब से आप 11th में आओगे तो आपको इसको एक अलग सब्जेक्ट के साथ पढ़ना है। तो उससे पहले यू नीड टू नो के केमिस्ट्री क्या है। तो डेफिनेशन की बात करते हैं केमिस्ट्री की। कुछ कॉम्प्लेक्स चीज नहीं डिस्कस नहीं करते। केमिस्ट्री क्या है? इट्स द स्टडी ऑफ मैटर। वेरी सिंपल डेफिनेशन, इट्स द स्टडी ऑफ मैटर। अदर पॉइंट इज, ये मैटर क्या चीज है? मैटर, आई डोंट थिंक आपके लिए कुछ नई टर्म है। मैटर, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास, ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है, और कैन बी फेल्ट बाय एनी वन ऑफ अवर फाइव सेंसेस। मतलब हम कहते हैं कि मैटर क्या चीज है? मैटर वो चीज है जो कुछ मास है जिसका, कुछ या फिर वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है, या फिर हम उसको किसी भी अपने एक सेंस से फील कर पाए, तो वो चीज क्या है? मैटर है। तो ऑल वी कैन से, जो भी हम चीजें हम देख पा रहे हैं, कुछ नहीं देख पा रहे, बट जो सब कुछ हम फील कर पा रहे हैं, वो सब क्या है? मैटर है। अच्छा, तो इस मैटर की स्टडी को हम क्या बोल देते हैं? केमिस्ट्री। अब जो केमिस्ट्री है इज अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट, तो इसको ऐसा नहीं है कि एक मतलब इकट्ठा हम पढ़ लें, तो इसको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर रखा गया है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के अकॉर्डिंग वैसे तो। बट जो मेन, जो तीन ब्रांचेस जो केमिस्ट्री की, जो जिसमें डिवाइड कर रखा है इसको, तो ये तीन ब्रांचेस हमने पढ़नी है। दैट फर्स्ट वन इज फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द थर्ड वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ये तुम्हारी तीन मेन ब्रांचेस है केमिस्ट्री की, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट वन बीइंग फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री एज द नेम सजेस्ट, इट डील्स विद द सम फिजिकल फिनोमिना। तो फिजिकल फिनोमिना क्या होंगे? It deals with the study of forces operating. Deals with the study of forces operating between atoms and molecules. It deals with the study of forces operating between atoms and molecules. So basically, atoms and molecules is nothing other than matter. Matter ही क्या है? Atoms and molecules. क्योंकि जितना भी हमारा matter होगा वो किससे बना होगा? Atom से, molecule से, ठीक है। तो actual में जो forces operate हो रही है हमारे matter में, उनको हम study करते हैं किसके अंदर? Physical chemistry के अंदर, ठीक है। Now coming on to the inorganic chemistry, it deals with the study of elements and compounds. जितने हम elements को study करते हैं, जो भी compounds की study करते हैं, उनको हम पढ़ते हैं किसके अंदर? Inorganic chemistry के अंदर। So it deals with the study of elements and compounds. जितने भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स की स्टडी हम करेंगे वो हम पढ़ेंगे किसके अंदर? इनऑर्गेनिक के अंदर। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड वन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें क्या है? इसमें भी हम एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ही पढ़ेंगे, बट द पॉइंट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स कौन से पढ़ेंगे? सिर्फ हाइड्रोकार्बन। सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। जितना भी हाइड्रोकार्बन की स्टडी रहती है वो सब हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब हाइड्रोकार्बन या इससे रिलेटेड जो भी कंपाउंड्स होंगे वो हम सारे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब हाइड्रोकार्बन क्या चीज है, ये हम 10th में आपका एक बकायदा चैप्टर है कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। इट्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन।
तो उनसे रिलेटेड जो भी स्टडी रहेगी हमारी वो हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, और इनके अलावा जो भी एलिमेंट्स कंपाउंड होंगे वो सब पढ़ेंगे हम किसके अंडर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर। तो ये मेन तीन ब्रांचेस हैं आपकी केमिस्ट्री के, और इसी के अकॉर्डिंग आपका जो चैप्टर्स का डिविजन रहता है, आपको तीनों के चैप्टर्स हैं, कुछ इनऑर्गेनिक के हैं, कुछ फिजिकल के हैं, कुछ ऑर्गेनिक के हैं, तो इस तरह से डिविजन हो रखा होता है आपका चैप्टर्स का। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसका क्या इम्पोर्टेंस है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो अगर सिर्फ इम्पोर्टेंस की बात करनी है तो फिर वो बहुत वास्ट है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री, बहुत ज़्यादा रोल है हमारी लाइफ में। तो लेट अस स्टार्ट विद सम मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, सबसे पहला जो हमारे दिमाग में आता है केमिस्ट्री का रोल वो है फार्मास्यूटिकल्स में, जो भी हम मेडिसिन यूज करते हैं या फिर जो भी जितने भी ड्रग्स होते हैं, दे आर आर केमिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो कितने सारे आज के टाइम में इतने सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो सब आर मेड अवेलेबल टू अस थ्रू केमिकल प्रोसेस, और दे आर टिपिकली केमिकल प्रोडक्ट्स अवेलेबल थ्रू केमिकल प्रोसेसेस। सो सबसे पहले मैं बात करूंगी फर्स्ट पॉइंट दैट इज बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन। बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन क्या आएगा, जितने भी हमारे मतलब हमारे पास लाइफ सेविंग ड्रग्स जैसे मैं बात कर रही हमारे डेडली डिजीजेस की, जैसे कैंसर है, तो अब के टाइम में द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इफ इट इज नोन इन अर्लियर स्टेजेस इट इज पॉसिबल, तो कैंसर के लिए हमारे पास इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं जैसे सिसप्लैटिन हो गया या फिर एक और जैसे टैक्सोल हो गया, ये सब क्या है कैंसर के ट्रीटमेंट में ड्रग्स यूज करे जाते हैं। तो ये एक केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, और कैंसर जैसी डेडफुल डिजीज का क्योर पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद अगर मैं एड्स की बात करूँ, एड्स के लिए भी क्या है ड्रग्स अवेलेबल है, इससे ये हमें पता है डेडली डिजीज है, इट्स क्योर इज नॉट पॉसिबल वैसे तो, बट स्टिल देयर आर सर्टेन ड्रग्स अवेलेबल जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं हम लाइफ स्पैन को इंक्रीज किया जा सकता है। तो जैसे हमारे पास इसके लिए एक ड्रग है AZT, दैट इज एजिटोथाइबिडीन नाम का ड्रग अवेलेबल रहता है। इसके अलावा ये तो चलो हो गए डेडली डिजीज की बात करें, इसके अलावा हम बहुत सारे क्या यूज करते हैं, हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं। तो वो सब एंटीबायोटिक्स आर प्योरली केमिकल प्रोडक्ट्स। एंटीबायोटिक्स जैसे कॉमन वंस की अगर मैं बात करूँ, जैसे मेरे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एमॉक्सिलिन होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो ये सब क्या है हमारे पास अपने केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जो हम केमिकल प्रोसेस से इनको क्या करते हैं बनाते हैं। फिर उसके बाद और भी जैसे एंटीसेप्टिक्स यूज करते हैं, जैसे एंटीसेप्टिक्स हो गए डेटोल हो गया, इवन आज के टाइम में बहुत सारा हम क्या यूज कर रहे हैं सैनिटाइजर्स, तो वो क्या है, वो भी क्या है केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल प्रोसेसेस से उनको बनाया जाता है, सैनिटाइजर्स हो गए। तो ये सब क्या है हमारी बेटर हेल्थ पॉसिबल हुई है, अच्छी सैनिटेशन होता है थ्रू द केमिस्ट्री। इसके बाद द सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज केमिस्ट्री ने क्या किया हमारी लाइफ में, बहुत ज्यादा क्या ऐड कर दिया कम्फर्ट, हमारी लाइफ कम्फर्टेबल हो गई है केमिस्ट्री की वजह से, इट हैज एडेड कम्फर्ट टू लाइफ, एडेड कम्फर्ट टू माई लाइफ कम्फर्टेबल हो गई है केमिस्ट्री की वजह से। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जैसे पहले क्या था, पहले हमारे पास बहुत लिमिटेड तरह के फैब्रिक्स अवेलेबल रहते थे, जैसे कॉटन, जूट, सिल्क या फिर वूल, ये तीन चार फाइबर से जो अवेलेबल थे फैब्रिक्स, इनको यूज किया जाता था। लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास वैरायटी ऑफ 50 टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स आप जाओगे तो देखने को मिल जाएंगे शॉप्स पे आपको, तो वो सब क्या है सिंथेटिक फाइबर्स हैं, मतलब वो नेचुरली अकरिंग नहीं है, उनको बनाया जाता है थ्रू केमिकल प्रोसेस, थ्रू यूजिंग वेरियस केमिकल्स, वो सबको यूज करके बड़े सारे फाइबर्स बना दिए जाते हैं जो क्या है हमारी लाइफ को इन अ वे कम्फर्टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो मैं बात करूंगी सिंथेटिक फाइबर्स हैं, जैसे रेयन हो गया या फिर नायलॉन, ये सब फाइबर्स
अब हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट वन कि हम जो बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं हमारे, जैसे सीमेंट हो गया या फिर जो हम स्टील यूज करते हैं, और ये कोई नेचुरल इतनी चीज़ें नहीं, ये बनाई जाती हैं, प्रिपेयर करी जाती है वेरियस केमिकल प्रोसेस। तो जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स में आएगा सीमेंट या फिर स्टील हो गया, और भी बहुत सारे, ये सारे क्या है, केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आप मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हम प्लास्टिक यूज करते हैं, लगभग हर तीसरी चीज हम देखते हैं प्लास्टिक के का पार्ट प्लास्टिक यूज कर रखा होता है उसमें। तो प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक इज नॉट अ नेचुरल ऑकरिंग चीज, वो भी क्या है, केमिकल प्रोसेस से बना हुआ केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है, दैट इज ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, ट्रांसपोर्टेशन मतलब बहुत जरूरी है, यू कैन रीच अप वन प्लेस टू अनदर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम। हाँ, तो उससे उसके लिए क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो इसमें वो बात करेंगे हम व्हीकल्स की, जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं उसके वो मेटालिक बॉडीज होती हैं, मेटल्स यूज कर रखे होते हैं। तो मेटल्स क्या है, इट्स ऑल अबाउट द केमिस्ट्री व्हीकल्स। उसके बाद इवन मैं बात करूँ फ्यूल्स की, जो भी हम फ्यूल्स यूज करते हैं अपने व्हीकल्स में, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होंगे, जितने भी कोई पेट्रोल डीजल जो भी, ये सारे क्या है, दीज आर द केमिकल कंपाउंड्स। तो मतलब इसमें आएगा जो भी हम व्हीकल्स यूज कर रहे हैं या फिर जो जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, ये सारे क्या है, केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, वो ये हमें हेल्प करते हैं इसमें ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री में, दैट इज केमिस्ट्री ने क्या किया है, हमारा जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है, ये क्रॉप यील्ड है, उसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। और फूड अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ी है, देखो हमारे पास आपके टाइम में वैरायटी ऑफ क्या अवेलेबल है, इंसेक्टिसाइड्स अवेलेबल हैं, पेस्टिसाइड्स अवेलेबल हैं, जो क्या करते हैं हमारी क्रॉप को किसी तरह के मतलब हार्म से प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। या फिर इसके अलावा हम बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं क्रॉप्स में, जो क्या करते हैं हमारी क्रॉप का जो प्रोडक्शन है, उस न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके उस प्रोडक्शन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो इन वे वो हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है उसको बढ़ा देते हैं। तो पहले ही अगर मैं बात करूँ, दैट इज इंसेक्टिसाइड्स हम यूज करते हैं, जैसे हम मैं बात कर लूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट वन कॉमन वन डीडीटी। उसके बाद बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की बात कर रही हूँ मैं, फर्टिलाइजर जैसे यूरिया बीइंग द कॉमन वन। तो ये सारे केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम यूज करा जाता है अपनी क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, या फिर क्रॉप्स को किसी तरह के हार्म से प्रिवेंट करने के लिए, और इवन स्टोरेज में भी, लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए भी। अब अगर आप क्रॉप्स को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना है आपने, तो ऐसे आप उनको रखनी, मतलब किसी तरह के उनको जो रेप्टाइल्स वगैरह रैट्स वगैरह ये सब क्या करते हैं, उनको हार्म कर सकते हैं। तो इसके लिए भी क्या रहता है कि हम उनको कुछ केमिकल्स उनको डाल के रख देते हैं, जिससे वो क्या है ज्यादा टाइम तक क्या स्टोर कर पाते हैं। इसके अलावा द फिफ्थ पॉइंट बीइंग द वॉर मटेरियल्स, वॉर्स में वैरायटीज ऑफ हम आज के टाइम में यूज करते हैं केमिकल्स, जैसे जिसमें हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करूं मैं, हाइड्रोजन बॉम्ब हो गया, या फिर अपना एटम बॉम्ब, और इसके अलावा बहुत सारी गैसेस यूज की जाती हैं, गैसेस पॉइजनस गैसेस होती है, जैसे मस्टर्ड गैस। तो ये सब क्या है, वॉर मटेरियल्स हैं, फिर आज के टाइम में इट्स अबाउट की इट शोज द पावर ऑफ एन नेशन, सिग्निफाइज द पावर ऑफ एन नेशन। तो मस्टर्ड गैस ये सब यूज किया जाता है। तो ये एक्चुअल में जो मैं एटम बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब की बात कर रही हूँ, ये क्या है, केमिकल प्रोसेस से अवेलेबल तो है, केमिकल प्रोडक्ट्स तो ये हैं ही है, और ये प्रोसेस जिन पे काम करते हैं न्यूक्लियर फिशन पे, तो ये सब क्या है, केमिकल प्रोसेस पे काम करते हैं। तो ये दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इसके अलावा आप और चीजें भी ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है, बट दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वंस। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर में, दैट इज द मैटर और उसका क्लासिफिकेशन।
तो अगर मैटर, मैंने आपको पहले बताया मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस और हैज मास, उसको हम मैटर बोल देते हैं, ठीक है। तो अब जो मैटर का क्लासिफिकेशन की बात करें, तो मैटर का जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरह से हो सकता है एक्चुअल में। एक तो हो सकता है उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब उसके स्ट्रक्चर के बेस पे किस तरह से जॉइन हुए हैं, और केमिकल की वो जो बना है स्ट्रक्चर वो किन चीजों से बना है, तो दैट इज द केमिकल क्लासिफिकेशन। तो दोनों तरह की क्लासिफिकेशन हमने करनी है। तो फर्स्ट कमिंग ऑन टू द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो अगर मैं फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करूँ मैटर की, तो मैटर हमारा जो है इट्स बेसिकली थ्री टाइप्स। इसके अलावा दो स्टेट्स और भी है, दो टाइप्स हैं, लेकिन दैट आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि वो कॉमन स्टेट्स नहीं है। तो तीन स्टेट्स जो है मैटर की, दे द सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस, ठीक है। तो इनको डिफ्रेंशिएट कर रखा है अलग अलग मैंने आपके लिए। सो फर्स्ट जो है सॉलिड की अगर बात करें, तो सॉलिड्स जो है दीज आर हैविंग फिक्स्ड शेप। सॉलिड्स का क्या रहता है, फिक्स्ड शेप होता है, और उस फिक्स्ड शेप का रीजन क्या है। अगर मैं सॉलिड की बात करूँ, सॉलिड के जो पार्टिकल है ये क्या होता है, बिल्कुल क्या होता है, टाइटली बाउंड होते हैं। मतलब इनके बीच में क्या है, किसी तरह की जो क्या हम बोलते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है, इस तरह से सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट होता है। तो क्या हुआ कि सॉलिड्स का क्या होता है, फिक्स शेप होता है, और वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। उसके बाद दीज आर नॉन कंप्रेसिबल। नॉन कंप्रेसिबल मतलब आप उनको प्रेस नहीं कर सकते, आप उनको प्रेशर अप्लाई करने से वो अपनी शेप नहीं चेंज कर लेंगे, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में इतना स्पेस ही नहीं है कि वो प्रेस हो जाए। Then particles do not move except vibratory motion. इस बात को समझो आप, except vibratory motion. Vibratory motion मतलब particles move तो नहीं करते, ये अपनी position पे रहते हैं क्योंकि आगे पीछे जाने की जगह भी नहीं है इनके पास, लेकिन ये अपनी जगह पे ही क्या करते रहते हैं, vibrate करते रहते हैं। तो ये vibration show करते हैं, vibratory motion show करते हैं, otherwise उसके अलावा कि किसी तरह का मोशन शो नहीं कर रहे। देन नॉट हैव फ्लूडिटी। फ्लूडिटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू फ्लो, मतलब जो सॉलिड्स होते हैं ये फ्लो नहीं करते हैं। आप कोई सॉलिड चीज को रख लो, आप उसको 15-20 दिन बाद, साल बाद देखोगे तो वही की वही वैसी ही रहेगी, ऐसा है कि वो फ्लो करके कहीं चली जाएगी। तो ये दे डू नॉट हैव फ्लूडिटी। नाउ कमिंग ऑन टू द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट एज यू ऑल नो, नो फिक्स्ड शेप, फिक्स शेप नहीं होता। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट। और उसका रीजन क्या है, जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स की अगर मैं बात करूँ, लिक्विड्स के पार्टिकल्स कुछ इस तरह से होंगे, मतलब उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, मैं कह सकती हूँ स्पेस होगा। एक पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, स्पेस होगा, लेस टाइटली पैक्ड है, नॉन कंप्रेसिबल। मतलब कहीं कुछ जगह पे लिखा होता है दे आर कंप्रेसिबल टू सम एक्सटेंट, बट द थिंग इज कि अगर आप ऐसे एग्जांपल से समझो, जैसे जो हमारे वो होते हैं इंजेक्शन होते हैं, उसके आगे से अगर आप वो सिरिंज निकाल के, तो अगर आप उसमें क्या फिल करते हो, लेट इट बी वाटर फिल कर रहे हो, कुछ भी लिक्विड फिल कर रहे हो, तो आप उससे क्या करते हो, पीछे से अगर प्रेशर अप्लाई करते हो, उसके नोजल पे फिंगर रखे, इस तरह से प्रेशर अप्लाई करते हो, तो क्या होगा, वो नहीं जाएगा आगे, कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। मतलब स्पेस तो है, बट इतना स्पेस, ये स्पेस होने के बावजूद ये क्या नहीं करते, कंप्रेस नहीं होते। लेकिन अगर आप क्या करते हो, प्रेशर्स को इंक्रीज कर देते हो, तो ये मूव कर जाए, ये कंप्रेस कर जाएंगे, लेकिन वो होगा एट वेरी हाई प्रेशर्स, लेकिन नॉर्मल प्रेशर्स पे ऐसा नहीं होता। देन पार्टिकल्स कैन मूव अवे इंडिविजुअल स्पेसेस, मूव तो डेफिनेटली कर जाते हैं। शो फ्लूडिटी, बहते हैं बिल्कुल, टेंडेंसी टू फ्लो, आप रखो कहीं पैक को, वो फ्लो कर जाएगा, ठीक है, दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो। देन कमिंग ऑन टू द गैसेस स्टेट। गैसेस हैव नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम। ना कोई फिक्स शेप होता है इनका, ना ही का कोई क्या होता है फिक्स्ड वॉल्यूम, बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं। अगर मैं गैसेस की अरेंजमेंट की बात करूँ, तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होगा इनका, मतलब वेरी लूजली बाउंड और कंप्रेसिबल, जितना मर्जी आप चाहो इनको कंप्रेस कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस होता है इनके बीच में। देन पार्टिकल्स आर फुल फ्रीडम टू मूव। देन शो फ्लूडिटी, फ्लूडिटी बिल्कुल, ये भी फ्लो करती हैं। आप परफ्यूम लगाते हैं जैसे कहीं भी रूम में, तो वो स्मेल पूरे रूम में आना शुरू हो जाती है, उसका रीजन क्या है, फ्लो कर जाते हैं ये, ठीक है, डेफिनेटली टू फ्लो। तो ये तीन बेसिक पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है बिटवीन द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इन डिफरेंसेस के अलावा एक चीज और जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज की जो तीन स्टेट्स है मैटर की, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस,
ये क्या है, इंटरकन्वर्टिबल है, मतलब सॉलिड को आप लिक्विड में कन्वर्ट करा जा सकता है, लिक्विड को गैस में, देन इसका अपोजिट वाइस वर्सा, गैस को लिक्विड है, लिक्विड को सॉलिड में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो सॉलिड को अगर मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा, और सिमिलरली लिक्विड को गैस में करने के लिए भी क्या आपको करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। और अपोजिट अगर आप उनको कूल करते हो तो क्या हो जाएंगे, स्टेट्स चेंज हो जाएंगे, गैस लिक्विड में चला जाएगा, और लिक्विड को अगर आप बहुत ज्यादा कूल करते हो इट विल बी कन्वर्टेड टू द सॉलिड। तो इसका मतलब क्या है, दीज आर इंटरकन्वर्टिबल, सॉलिड लिक्विड स्टेट्स आर इंटरकन्वर्टिबल, ठीक है, बाय अप्लाइंग सुटेबल कंडीशंस आप उनको चेंज कर सकते हो। स्टूडेंट्स अब इससे पहले हमने तीन स्टेट्स पढ़ी आपने मैटर की, दैट इज सॉलिड लिक्विड एंड गैस, और उसके बाद हमने आपको बताया कि और भी स्टेट्स होती हैं दो मैटर की जो कि नॉट कॉमनली प्रेजेंट बट दीज आर इम्पॉर्टेंट, तो हमें अब उन स्टेट्स को पढ़ना है। तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा स्टेट, फोर्थ स्टेट है आपका प्लाज्मा स्टेट। अब ये प्लाज्मा स्टेट कहाँ एग्जिस्ट करती है, एट वेरी मतलब हायर एटमोसफेयर में क्या होता है, काफी ज्यादा क्या होता है, टेम्परेचर क्या रहता है आपका, बहुत ज्यादा हाई रहता है, हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है, जैसे आपको पता है सॉलिड को आपने हीट किया लिक्विड चला गया, लिक्विड को हीट किया गैस में चला गया, अब आप क्या कर रहे हो, सपोज करो गैस को और ज्यादा क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो क्या होगा। देखो बेसिक अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, कि इस तरह से न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, जो बेसिक जो हम नाइन्थ स्टैंडर्ड में जो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे अगर आप इसको क्या देते हो, बहुत ज्यादा क्या देते हो, हीट देते हो, हीट देने से क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ये अपना। तो आपके पास बचा क्या है, ये क्या बचा, बचा आयन आपके पास जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और साथ में आपके पास बचा है एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से बहुत सारी एटम्स हैं जिनको जब टेम्परेचर्स मिलेंगे और वो क्या कर देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे, कैटायंस बन जाएंगे, आयंस के फॉर्म में आ जाएंगे, और साथ में होंगे बहुत सारे क्या, इलेक्ट्रॉन्स। अब सॉलिड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, सबसे क्या होती है, कम होती है, लिक्विड की उससे ज्यादा होती है, गैस की उससे ज्यादा होती है। और जब मैं प्लाज्मा स्टेट पे आऊंगी तो दीज आर हैविंग, दिस प्लाज्मा स्टेट इज हैविंग वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। और इसमें है क्या है, बनी किससे है, दीज आर द चार्ज पार्टिकल्स, दीज आर जस्ट चार्ज, चार्ज पार्टिकल से बनी है हमारी प्लाज्मा स्टेट। आज मैंने आपको बताया यहाँ पे इतने हाई टेम्परेचर्स नहीं रहते, तो इन हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में तो होता नहीं है, लेकिन अपर एटमॉस्फेयर में क्लोज टू सन जो गैसेस होंगी या जो स्टार्स होते हैं हमारे, तो वहाँ पे क्या रहता है, टेम्परेचर हाई, जिसकी वजह से जो गैसेज होती है वो इस फॉर्म में चली जाती है, मतलब चार्ज फॉर्म में चली जाती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एग्जाम्पल कहाँ है, स्टार्स, इवन लोअर एटमॉस्फेयर में कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, जैसे हमारे जो ग्लो साइंस होते हैं, ग्लो साइंस होते हैं जिसमें जो न्योन बल्ब्स, ग्लो साइंस या बोलते हैं न्योन बल्ब्स होते हैं, न्योन बल्ब्स, या फिर हमारी जो हम यूज करते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, इनमें क्या रहता है, जैसे हमारे न्योन बल्ब्स होते हैं, न्योन गैस फिल कर रखी होती है, जब फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में हमारा हीलियम गैस रहती है, तो ये क्या करते हो, जब अब यहाँ पे टेम्परेचर तो नहीं दे रहे हम होता, लेकिन हम क्या दे रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं उनको, तो इलेक्ट्रिक करंट देने की वजह से जैसे फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उस एनर्जी की वजह से क्या होता है, ये एटम्स जो होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके, मतलब एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, तो हमारे पास आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का एक जो मिक्सचर हमें मिल जाता है, जो कि है जो एक्चुअल हमारा क्या प्लाज्मा स्टेट। और यूजुअली दीज आर हैविंग वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स, और ये क्या करते रहते हैं, ग्लो करते रहते हैं, इसलिए हमारी फ्लोरोसेंट ट्यूब्स को जैसे हम वो ऑन करते हैं स्विच, जो इलेक्ट्रिक करंट उसको प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। और यही रीजंस होते हैं सन के ग्लो करने का, या फिर हम कह लें जो हमारे स्टार्स रहते हैं ग्लो करने का, या फिर हमारे ग्लो साइंस जो होते हैं जो यूज करे होते हैं टर्न पे, रोड्स के साइड में टर्न्स पे, या कुछ बिल्डिंग्स वगैरह के ऊपर लगाए होते हैं ना, अंधेरे में दिखते रहते हैं वो, तो वो होते हैं, ये हमारी होती है प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। दिस इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब इसके बाद जो हमारी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है वो है हमारी बोस
फाइन स्टेट कंडेंसेट फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये भी नेचुरल मतलब हमारे एटमॉस्फेयर हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो ये एग्जिस्ट कैसे करती है? जैसे हम सॉलिड से लिक्विड पे गए, लिक्विड से हम फिर गैस पे गए, और गैस पे हमने बोला कि ओवर हीट करा तो बहुत ज्यादा तो आप चले गए प्लाज्मा पे। लेकिन अगर आप सॉलिड से पीछे की तरफ आओ, मतलब आप बड़ा ज्यादा सॉलिड को क्या करो, कूल करो। अगर आप सॉलिड को बहुत ज्यादा कूल करते हो, कूलिंग ऐसी नहीं कि 4-5 सेल्सियस कम कर दिया, दिस इज नॉट द थिंग। अगर आप बोलते हो कि आप इतना कम करो कि एब्सोल्यूट जीरो पे आ जाओ, सुपर कूल टेम्परेचर्स, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या होगा? -273 केल्विन अगर टेम्परेचर के आसपास अगर आप चले जाते हो, तो आपका सॉलिड जो मॉलिक्यूल जो एटम्स होंगे आपके, पार्टिकल्स होंगे जो सॉलिड के, वो क्या कर जाएंगे, एक तरह से आपस में क्लंप बना लेंगे, इतने पास आ जाएंगे। क्योंकि आपको पता है सॉलिड में ऑलरेडी क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे वो पार्टिकल्स आपस में स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, लेकिन बोस आइंस्टीन में वो इतने पास हो जाते हैं इतने कम टेम्परेचर में कि वो आपस में क्लंप टुगेदर, दे क्लंप टुगेदर। तो वो जो स्टेट बनेगी, दैट इज नॉट सॉलिड, दैट इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब जो इसका नाम दिया गया है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, तो ये जो है ये सबसे पहले इसको जो एग्जिस्ट करती होगी ये स्टेट, ये स्टडी किया था सत्येंद्रनाथ बोस थे, उन्होंने इसको सबसे पहले स्टडी करा। उसके बाद जो उनकी जो भी स्टडी थी उनको उन्होंने भेजा आइंस्टीन को, फिर उन्होंने इसको पब्लिश करा कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। फिर ये सब हुआ 1920 के अराउंड, फिर 1990 में जाके तीन मतलब यूएस के साइंटिस्ट थे, उन्होंने फिर इसको एक्चुअल में जो स्टेट को बनाया, मतलब बोस आइंस्टीन ने उनको बनाया नहीं, तो उन्होंने सब स्टडी करी थी, बनाई वो 1990 के अराउंड के ही। वो कैसे बनाई थी? रुबीडियम को यूज करके उसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के अराउंड लेके जाके, तो उसको पहली बार बनाया गया, तो फिर उस समय कंफर्मेशन हुआ कि हाँ दिस स्टेट ऑफ मैटर डू एग्जिस्ट, दैट इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब हम बात करेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स की। हाँ, एटम्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है इनमें? एटम्स हमारा एलिमेंट का वो सबसे छोटा पार्ट है जो कैपेबल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के। मतलब कुछ एटम्स होते हैं वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ बहुत सारे एटम्स ऐसे भी हैं जो नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉपर की बात करूँ, मैं बोलती हूँ एलिमेंट कॉपर, उसका जो एक एटम होगा कॉपर का, दैट विल बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसके साथ ही साथ आयन है, आयन का भी क्या है, एक एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही अगर मैं हाइड्रोजन की बात करती हूँ, मैं बोलती हूँ एलिमेंट हाइड्रोजन, तो उसका अगर मैं एक एटम की बात करूंगी, एक हाइड्रोजन एटम, तो ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसका नहीं होगा। तो या फिर ऑक्सीजन है, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो एस इन चीजों को हम क्या बोल देते हैं, एटम, विच मे आर मे नॉट बी केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसके साथ अगर मॉलिक्यूल्स की बात करो, ये एटम या फिर ये एलिमेंट या फिर कंपाउंड का, एलिमेंट या फिर कंपाउंड का वो सबसे छोटा पार्ट है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करेगा फॉर श्योर। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात बोली हो या ऑक्सीजन की बात बोली, इसकी एटॉमिक फॉर्म की एग्जिस्टेंस नहीं थी, लेकिन अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर फॉर्म की बात करूं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड का वो स्मॉलेस्ट पार्ट जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करे, तो अगर मैं हाइड्रोजन कंपाउंड वाटर कंपाउंड की बात करती हूँ, वाटर भी, तो उसका एक मॉलिक्यूल जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने किया था फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर का, तो हमने उसमें डिस्कस की थी कि 5 स्टेट्स हैं, वो सब जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है उसको था कि बाहर से कैसी चीजें हैं उसमें, किन कैसा उसका स्ट्रक्चर है। अब जो चीजें हैं, अब केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें अगर मैटर का, तो उसमें होगा कि वो किन चीजों से बना हुआ हमारा मैटर, और उसके बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करेंगे कि मैटर के टाइप्स क्या हैं। तो अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, तो हमारा जो मैटर है इट इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वन बीइंग प्योर सब्सटेंसेस एंड द सेकंड वन बीइंग द मिक्सचर। अच्छा, प्योर सब्सटेंसेस, एज द नेम सजेस्ट, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ऐसी चीजें, ऐसे मटेरियल्स जो कि बने होते हैं एक ही तरह के पार्टिकल से, ऐसी चीजें जो एक ही तरह के पार्टिकल से बनी होती हैं, उनको हम बोल देते हैं क्या, प्योर सब्सटेंसेस। अब वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, वो पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, और या फिर क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। मतलब एटम सेम तरह के एटम से बना हो सकता है, या सेम तरह के मॉलिक्यूल से अगर कोई चीज बनी है, तो हम उसको बोल देते हैं कि वो क्या हो गया, हमारा प्योर सब्सटेंस हो गया।
सिमिलरली अगर मिक्सर की बात करें तो मिक्सर में क्या है, अपोजिट है, ये एक तरह के एटम मॉलिक्यूल से नहीं बना होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के एटम्स और मॉलिक्यूल से बना होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं मिक्सर। एक्चुअली इम्प्योर सब्सटेंस, क्योंकि इसमें क्या बड़ी सारी चीजें मिक्स हुई हैं, तो ये इम्प्योर सब्सटेंस है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्या होंगे, एटम्स होंगे या फिर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। उसके बाद अगर इसका क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्योर सब्सटेंसेस आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, एलिमेंट्स हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, कंपाउंड्स। अब इनमें क्या डिफरेंस है कि एलिमेंट्स में जो काइंड ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब अगर कोई एटम है तो वो एटम एक ही होगा, एक ही तरह के होंगे, फिर जैसे मॉलिक्यूल्स है तो वो एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे। इसको समझने के लिए थोड़ा एग्जांपल देखो आप, सपोज करो मैं बोलती हूँ कॉपर का एलिमेंट है, ठीक है, तो भाई कॉपर एलिमेंट मेरा मतलब क्या है कि कॉपर एलिमेंट जो है उसमें सारे एटम्स किसके होंगे, कॉपर के ही होंगे। या फिर जैसे मैं बोलती हूँ कि मेरे पास आयरन एलिमेंट आयरन, तो एलिमेंट आयरन बोलने से मेरा मतलब हुआ कि इसमें सारे एटम्स आयरन के हैं। और अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो सपोज करो मेरे पास है हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन हमें पता है हाइड्रोजन सिंपल एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, एटम की फॉर्म में हाइड्रोजन नहीं होती है, हाइड्रोजन जब भी हमें मिलेगी मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगी। तो अगर मैं हाइड्रोजन के एलिमेंट की बात कर रही हूँ मतलब उसमें सारे क्या है मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, एक ही तरह के एटम्स भी एक ही तरह के थे, कॉपर और आयरन की जैसे बात करें सभी एक ही तरह के एटम्स थे। और अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात कर रही हूँ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स इस एलिमेंट में, हाइड्रोजन के एलिमेंट में सारे मॉलिक्यूल्स किसके हैं, हाइड्रोजन के। ऑन द कॉन्ट्रेरी कंपाउंड्स में क्या होगा, कंपाउंड्स में क्या होंगे, एटम्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होंगे, ठीक है, एटम्स क्या होंगे डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन उनका जो कंपोजिशन होगा, जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होता है। ऐसे नहीं कि जितने मर्जी हमने एटम्स ले लिए, जितने मर्जी हमने किसी के कम ज्यादा कर लिए तो वो कंपाउंड बन जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। जो कंपोजिशन होता है वो क्या फिक्स्ड रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात करती हूँ H2O, इट्स अ प्योर कंपाउंड, मतलब एक कंपाउंड कैसा है, इसमें दो एटम्स किसके हैं हाइड्रोजन के और एक एटम किसके हैं ऑक्सीजन का, और आप कहीं से भी वाटर ले रहे हो, वाटर का जो कंपोजिशन होगा ये फिक्स्ड होगा, मतलब दो एटम्स हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का, ये चीज फिक्स्ड रहेगी कहीं से भी होगा। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मैं ऑक्सीजन दो ले लूं, फिर वो वाटर नहीं होगा। वाटर क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। एक्चुअल में क्या है ये H2O क्या है, ये एक मॉलिक्यूल भी है वाटर का। एक्चुअल में क्या है H2O क्या है, एक मॉलिक्यूल है, मतलब अगर मैं बात कर रही हूँ कंपाउंड वाटर, तो मेरा मतलब क्या है उसमें सारे मॉलिक्यूल्स किसके हैं, वाटर के, H2O। अगर मैं बात कर रही हूँ कोई और HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इट्स अ कंपाउंड, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन वन एटम ऑफ क्लोरीन, तो इससे मेरा क्या मतलब है, कंपाउंड हाइड्रोजन क्लोराइड से मेरा मतलब है इसमें सारे मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, किसके होंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड के ही होंगे। तो ये होते हैं हमारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का। अब स्टूडेंट्स अगर हम मिक्सर्स की बात करें तो मिक्सर हमारे फर्दर दो तरह के होते हैं, होमोजेनियस और दूसरे कौन से, हेटरोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सर ऐसे वो मिक्सर होते हैं जिनमें जो कंपोजिशन ओवरऑल कंपोजिशन होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब अगर आप नमक को पानी में डालते हो, NaCl इन वाटर, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं लिखती हूँ जैसे NaCl इन वाटर डाल दिया, अब क्या आपने उसको डिजोल्व कर लिया, अब आप वो नमक को कहीं से भी वो ड्रॉप लोगे उस सॉल्यूशन में तो आपको क्या लगेगा, वो सेम ही लगेगा, आप टेस्ट करते हो सेम ही, एक जितना ही वो नमकीन होगा, ठीक है। तो इस तरह के मिक्सर्स को हम बोल देते हैं होमोजेनियस मिक्सर। तो दूसरी तरह के होते हैं हमारे हेटरोजेनियस, इसमें क्या हो जाता है, कंपोजिशन सेम नहीं होता। आप ऑयल डाल दो पानी में तो वो आपको सेपरेटली दिखता रहेगा, अलग अलग ऑयल ऊपर तैरेगा या नीचे पानी रहेगा, वो कंपोजिशन सेम नहीं है ओवरऑल, थ्रू आउट क्या है, कंपोजिशन सेम नहीं है, मतलब कंपोजिशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। तो एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हो ऑयल इन वाटर या कुछ भी मर्ड इन वाटर, जिसमें आपको लगे कि अलग अलग लेयर्स आपको दिख रही है, ठीक है। उसके बाद होमोजेनियस मिक्सचर जो होते हैं हमारे, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन इज नथिंग अदर देन होमोजेनियस मिक्सचर। और एक और चीज होती है, आप मिल्क, अगर आप कहते हो मिल्क जो है आपके लगेगा कि जो मिल्क प्योर मिल्क ले लिया आपने, कुछ नहीं डाला उसमें, वो आपका होमोजेनियस मिक्सचर है, बट ऐसा नहीं होता। जो आपका मिल्क होता है दैट इज अ हेटरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। हेटरोजेनियस मिक्सचर कैसे है, क्योंकि उसमें कुछ वाटर रहता है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ फैट्स होते हैं, अगर आप उसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हो तो आपको अलग अलग वो दिखेंगे क्लियरली फैट्स उसमें, मतलब जो आपका सॉल्वेंट है वाटर है उसमें, तो मिल्क इज अ हेटरोजेनियस मिक्सचर। और उसके साथ ही साथ एक और चीज, मिक्सचर में आप देखिए, आप पानी में आप नमक दो चम्मच डालो तीन चम्मच डालो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मिक्सचर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं है,
दो एटम हाइड्रोजन के एक एटम ऑक्सीजन का, और ये कंपोजिशन क्या होगा, ये जो रेशियो होगी ये फिक्स्ड होगी, अगर आप चेंज करोगे फिर वो कुछ और चीज बन जाएगी, वो फिर वाटर नहीं रहेगा। तो ये फर्क होता है कंपाउंड और मिक्सर में। मिक्सर में क्या है, आपको आप कम ज्यादा चीजें कर सकते हो, अपनी मर्जी से दो डाल दो तीन डाल दो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो चीजें हैं जो रेशियो है वो क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी।